एक तो तुम कराची वालों को हमारी वो जो उर्दू है वो ही ठीक तरह समझ ही नहीं आती है। वो मिल गई है, मिल गई कंसाइनमेंट, सारी डीवीडी सीडी पहुंच गई है। वो तुमने जो कहा था वो अपना क्या वो नर्कस मैं दोबारा करता हूँ। हाँ मलक साहब बैठे तो उनको कहो मैं दोबारा करता हूँ। बिस्मिल्लाह करा भाई मलाइका जान, अब तो तुम मेरे ख्वाबों में आने लगी हो। रात मैंने फिर ख्वाब में तुम्हारे साथ मुलाकात की है। वैसे रात की डेट मेरी राजा नल के पास थी, मैंने वो डेट कैंसिल करके मैंने कहा नहीं आज मैं मलाइका जान को ख्वाब में देखूंगा। मुझे यकीन था कि तुम सुबह जरूर आओगी। मलाइका मेरे ख्वाब अब सच्चे होने लग गए। डोरे डाल रहे हैं मुझ पर? डोरे कहाँ के, तुम तो जाल में भी ना हो कभी। वो अपना वैसे गायब किधर थी, बड़े महीनों के बाद दीदार हुए हैं। यूनिवर्सिटी बंद थी, कॉलेजों में छुट्टियां, क्या करती है आके? मैं तुम और मैं सदके जाऊं तो स्कूलों पे तवज्जो क्यों नहीं देती? स्कूलों पे अटैक करो, कारोबार को बढ़ाओ, कैंसर की तरह फैल जाओ। हाँ यही सोच रही हूँ, धंधा बिल्कुल मंदा हो गया है और अब जाके कहीं डिमांड आई है। भाई तुम्हें मुबारक हो मलाइका जान, वैसे तुम्हारी रेगुलर शिपमेंट जो है ना वो कब से पड़ी गोदाम में, तेरी राह तक रही है मेरी तरह। वो पिछला हिसाब तो अभी तक चुकता नहीं किया तूने। हाँ हाँ कर दूंगी, भागी नहीं जा रही। बुरा क्यों मान रही हो है? मैंने भी तो याददानी कराई, मुझे कौन सी ऐसी जलती है। 20 कैसेट और 10 डीवीडी, ठीक है? तैयार है। मलाइका जान तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ, ये मुद्दतों से 10 कैसेट 20 डीवीडी बढ़ाओ, मार्केटिंग करो। है मैं आता हूँ, ये सारी की सारी नई वैरायटी है जो इस शेल्फ में है, तुम इसमें तवज्जो दो। मैं आता हूँ। पहले मजाक करना सीखो फिर तजुर्बा करो। खाम मुझे जगा रही है तुमने। आप अब्बा जी से खुद पूछ लो। बहुत खूब, यानी कि अब्बा जी से मैं बात करूं ताकि वो जूतियों से मेरी खबर लें। मैं बेवकूफ जरूर हूं लेकिन तुमसे थोड़ा कम। इकबाल अब्बा जी ने खुशखबरी हमें खुद सुनाई है और अब्बा जी मजाक नहीं कर रहे। आप भी कुलसुम के साथ मिल गई हैं इस साजिश में जो मुझे पिटवाने के लिए बनाई गई है। तुम नहीं मानते तो ना मानो, बस हमें इतना बता दो कि अब्बा जी अपनी बेगम अगर इस घर में लेके आते हैं तो तुम्हारा रद्दअमल क्या होगा, क्या तुम उससे कबूल करोगे? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा अब्बा, मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है? अब्बा जी जो चाहेंगे वो करेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने हमसे पूछा है कि हम में से अगर किसी को भी एतराज हुआ तो अपनी बेगम को छोड़ देंगे, उसे तलाक दे देंगे। वाकई अब्बा जी ने शादी कर ली? कब, कहां, किससे? ना हमने पूछा और ना उन्होंने तफसील बताई, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं। हमारे घर नई अम्मी आएंगी और हमें मां मिल जाएगी। पता नहीं नई अम्मी आएंगी या डायन। डायन, ये क्या कह रहे हैं आप इकबाल भाई? बुढ़ापे की शादी में मर्द कठपुतली बन जाता है नई बीवी के हाथों, फिर उसी के इशारों पे नाचता है। अब्बा जी ऐसे नहीं है। नहीं है तो हो जाएंगे, तुम देख लेना, पता नहीं क्या हशर होगा हमारा। ये बात की बात है, हमारे से पहले जो कुछ हो रहा है उससे ज्यादा बुरा क्या होगा। फिलहाल हमें अब्बा जी की खुशियों में खुले दिल से उनके साथ शरीक होना चाहिए। अब मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अब्बा जी ने शादी कर ली है। अब्बा जी झूठ नहीं बोलते और वैसे भी उन्हें ये शोशा छोड़ने की क्या जरूरत है। बहुत खूब, एक तो अब्बा जी की भाली उम्र, ऊपर से खुफिया शादी, कहीं उन्होंने तुम्हारी रुखसती और अपना वलीमा एक साथ करने का प्रोग्राम तो नहीं बना रखा? क्यों अब्बा? आपने अभी तक जवाब नहीं दिया इकबाल भाई। मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती कुलसुम, लेकिन फिर भी अगर वो रस्म निभा रहे हैं और हमारी रजामंदी चाहते हैं तो हमें इनकार या एतराज का इख्तियार कब है? ताज्जुब तो मुझे भी है एक बार, अब्बा जी ने आज तक हमें इतनी लिफ्ट नहीं कराई,
अब्बा जी पर मुझे इतना प्यार आ रहा है कि क्या बताऊं। लग ही नहीं रहा कि वही वाले अब्बा जी हैं। हिटलर स्टाइल छोटे से बच्चे की तरह पूछ रहे थे, हमसे इजाजत मांग रहे थे। कुर्बान अब्बा जी पर, वो 10 शादियां भी कर ले तो कर ले, मैं बहुत खुश हूँ। उनका कहना सही, एक बार अच्छा हुआ उन्होंने शादी कर ली। हमारे बाद कोई तो होगा उनकी देखभाल करने वाला। ठीक है, मुझे कब इनकार है इन बातों से, लेकिन आप अगर वो अपनी शादी रिचाने से पहले हमें बता देते तो मुझे और ज्यादा खुशी होती कि चलो उन्होंने अपनी औलाद को कुछ समझा तो सही। किस्सा खत्म करो इकबाल, मैं अब्बा जी से कह दूंगी कि इकबाल नई माँ के इंतजार में तड़प रहा है, जन्नत की तलाश में है जो माँ के पैरों तले होती है। जन्नत, सौतेली माँ और जन्नत। मैं अब्बा जी को दूल्हा बनाऊं और घर ऐसा सजाऊंगी कि अम्मी को लगेगा कि आज ही उनकी शादी हुई है। अब्बा जी तैयार होंगे, उनके सर पर सेहरा बांधूंगी और उन्हें घोड़ी पर बिठाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शाहबाला बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, ठीक है ना? और घोड़ी पे मेरी जगह भी रखना, अब्बा जी बैठे ना बैठे शाहबाला जरूर बैठेगा। कितना प्यारा है मेरा भाई। बस करो तुम दोनों ना, जरूर मैं अब्बा जी का मजाक बना रही। दिलचस्प। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरे करियर का अनोखा केस होगा। अगर मैंने लड़ा तो मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगी वकील साहिबा। बैरिस्टर बीना हसन, तुम चाहो तो मुझे बीना हसन कह कभी पुकार सकती हो। मैं फॉर्मेलिटीज पे यकीन नहीं रखती। आदत मेरी भी कुछ ऐसी ही है बीना हसन, तकल्लुफात की मैं भी कायल नहीं हूँ। आई बिलीव इन बिजनेस। ये रहा आपका एडवांस, अगर कम है तो बताइए। मेरी कुछ शरायत हैं और कुछ असूल भी, जिन्हें मैं केस लेने से पहले अपने क्लाइंट पर वाजे कर देती हूँ। फिर क्लाइंट की अपनी मर्जी, वो चाहे तो मुझसे केस प्लीट करवाए, चाहे ना करवाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। प्लीज कम टू द पॉइंट। मेरी शर्त यह है कि अपने मसले के बारे में तुम मुझे जो कुछ बताओगी उसका एक एक लफ्ज सच होना चाहिए। एक एक लफ्ज, समझ गई? और मेरा असूल यह है कि मैं एडवांस फीस नहीं लेती। केस जीत जाऊं तो ठीक है, हारने की सूरत में कोई फीस नहीं। मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैं जानती हूं कानून के मैदान में आपने आज तक शिकस्त नहीं खाई है, और यही शौहरत मुझे आपके पास लेकर आई है। और मेरा दूसरा असूल यह है कि मैं क्लाइंट से ब्लैंक चेक लेती हूँ, केस जीतने के बाद रकम खुद भरती अपनी मर्जी से। जी। तारीख मत डालना। जी मैं जानती हूं। चेक अपने पास रखो। क्यों? मैं तुम्हारे एतमाद को आजमा रही थी। अगर तुम जरा भी झिझकती तो मैं इनकार कर देती। वकील और मौकल के दरमियान एतमाद का मजबूत रिश्ता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप वाकई बहुत अजीब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। अब इसे उठाओ और अपने बैग में रखो। उठा लो। जी।
हाँ, अब मुझे अपनी सारी कहानी विद डिटेल्स बताओ। जस्ट अ सेकेंड, अब बताओ।